प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग एक बार फिर विवादों के घेरों में आ गया है। बात कर रहे हैं आबकारी विभाग पौड़ी की, जिस पर यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गरुड़ चट्टी पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध शराब का ठेका खोलने का आरोप लगा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीण चंद्रभूषण शर्मा ने बताया कि आबकारी अधिकारी ने रतापानी में स्वीकृत अंग्रेजी शराब की दुकान को वहां के बजाय गरुड़ चट्टी पर खोल दिया है, जबकि कोर्ट ने आबकारी विभाग को गरुड़ चट्टी से शराब के ठेके को हटाने के आदेश दिए थे। वो सीधे-सीधे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसी के सिलसिले में जिलाधिकारी पौड़ी से मुलाकात कर इस पूरे मामले में उन्हें अवगत कराया गया और जिलाधिकारी ने इस संबंध में 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन उन्हें दिया है। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, इसके साथ ही आबकारी अधिकारी को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। अभी हम लोग ऋषिकेश से आए हैं, यमकेश्वर ब्लॉक से, और अभी हमने डीएम पौड़ी जो मिस्टर डॉक्टर चौहान हैं, आशीष चौहान, उनके साथ बात हुई है। तो पहले जो कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, तो आबकारी डिपार्टमेंट जो कोर्ट के ऑर्डर पे लगातार गुमराह कर रहा था, उन्होंने अधूरे ऑर्डर की कॉपी सबको दिखाई है, और जो फाइनल ऑर्डर है जिसमें रिट पिटीशन को डिसमिस किया गया, उस ऑर्डर की कॉपी को छुपाया गया। यहाँ तक कि जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर बीएस चौहान, मुख्यालय आबकारी देहरादून, उनको भी फाइनल ऑर्डर कॉपी के बारे में नहीं पता था। शराब की एक दुकान को लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन है, इस संबंध में मेरे द्वारा विभाग से और संबंधित ग्रामीणों से वार्ता की गई और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, जिसमें एसडीएम और डीओ किस तरह से जांच के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की।